हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे स्नेह अध्याय चैप्टर नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्नेह अध्याय, और इसके बाद के अंदर आने वाला जो चैप्टर है 14 नंबर का चैप्टर जो श्वेत अध्याय है, वो भी इसके अंदर स्टेमिंग दी जाती है। स्नेह के अंदर ओइलेशन थेरेपी यूज में की जाती है। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 13 और 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपकी यूजी के एग्जाम हो और पीजी के अंदर। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के तो आज का अध्याय हम शुरू करते हैं, और ले चलता हूँ आज आपको सीधे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात ये करते हैं कि स्नेह, स्नेह का मतलब क्या होता है, आखिर स्नेह का मतलब, स्नेहन का मतलब क्या निकलता है। तो इसके अंदर गिवन है, जब आप चरक संहिता देखते हैं कि वह द्रव्य जिसके अंदर गुरु गुरु और गुरु के साथ गुरु गुरु के साथ साथ के अंदर ही इसके अंदर शीत सर सर का मतलब जिसके अंदर बहने का गुण हो, इसके साथ स्निग्ध चिकना मंद सूक्ष्म मृदु गुण होते हैं, वह स्नेहन कहलाते हैं। ये जो जितने भी कोई द्रव्य है उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम स्नेहन की कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि जो स्नेहक स्नेहन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो किसने किसको पूछे, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, मैं तो क्या ही बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन जो भगवान पूर्णवर्षु आत्रेय हैं उनसे अग्निवेश ने जो 25 क्वेश्चन पूछे थे, उन्हीं के हम जो आंसर हैं उनको थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ेंगे। देखिए, स्नेहन के विषय प्रश्न, भगवान पूर्णवर्षु आत्रेय से अग्निवेश ने अपने संदेहयुक्त 25 प्रश्न पूछे। उन 25 प्रश्नों के उत्तर भगवान आत्रेय ने इस प्रकार दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब ये चैप्टर आए इसके अंदर से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है कि भगवान पूर्णवर्षु आत्रेय से अग्निवेश ने प्रश्न पूछे थे। किसने पूछे थे? अग्निवेश ने प्रश्न पूछे थे भगवान पूर्णवर्षु आत्रेय से। अब देखिए क्या हैं वो आखिर 25 क्वेश्चंस, तो उनको हम एक एक करके कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर गिवन है कि स्नेह की योनियां, इसका मतलब क्या होता है स्नेह की योनियां। स्नेह की योनियां का मतलब है कि जो आपके स्नेह है, स्नेह स्नेह का ओरिजन, जो स्नेह है वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, उसको बोलते हैं स्नेह की योनि, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो स्नेह हैं, जितने भी प्रकार के स्नेह हैं वो दो ही उनकी योनियां हैं, एक तो जांगम योनि और एक है स्थावर योनि। अब देखिए, जांगम योनि के अंदर कौन कौन से द्रव आते हैं। जांगम, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जांगम के अंदर एनिमल ओरिजन की दा द्रव्य या मेडिसिन, एनी द्रव्य विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल ओरिजन, जो एनिमल के ओरिजन से मिलता है वो जांगल के अंदर आता है, जांगम योनि होती है। और जो भी द्रव्य है वो स्थल मतलब मीन्स प्लांट के ओरिजन से मिलता है वो आता है आपके स्थावर योनि के अंदर। अब देखिए इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एनिमल के ओरिजन के अंदर सर्पी का मतलब आप इसमें घृत ले सकते हो, ठीक है। दही शीर दूध घृत और इसके साथ मांस, जो भी एनिमल्स से कोई प्रोडक्ट मिलता है उसको अंदर उनको कंसिडर किया गया है जांगम योनि के अंदर। तो उसमें आते हैं दधी शीर घृत और मिश का मतलब मांस आप लिख सकते हो। प्लांट ओरिजन से बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जिनका ओरिजन प्लांट से माना जाता है, कहने का मतलब वो स्थावर योनियों के अंदर कंक्लूड किए जाते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, सुनिएगा जी। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि स्थावर स्नेहस्य सोर्स ऑफ प्लांट एंड वेजिटेबल्स, की जो भी प्रकार के द्रव्य हैं वो प्लांट और वेजिटेबल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, वो आपके सारे के सारे स्थावर योनि के अंदर आते हैं। अब देखिए कौन कौन से आते हैं, जैसे तिल हो गया, ठीक है, प्रियाल अभिषुक को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसमें विभितक हो गया, ठीक है, विभितकी और चित्र अरंड गोधूम मधुप सर्पसा कुसुम्ब बिल्व अरुक मूलक जिसको आप रेडिस बोलते हो, रेफिनस सटाइवम लिनस फैमिली से बिलोंग करता है, निकोजन अक्ष जिकाशु स्नेहाश्य स्थावर योनि। तो स्थावर योनि के अंदर जितने प्रकार के मैंने एग्जांपल बताया आपको, उसके अंदर से एक तो एग्जांपल नोट डाउन कर ही देने हैं। उसके अंदर मेनली जैसे तिल हो गया और प्रियालक
और अभिषुक जो है वो आपकी लीनेज फैमिली से बिलोंग करता है, और विभिते की चित्र तो ये एग्जांपल आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्थावर योनि के साथ साथ जांगम योनि। तो जांगम योनि के अंदर मैंने आपको बता दिया कि दधि शीर घृत और मिश, दधि दही शीर मिल्क घृत घी और मिश, मतलब जो एनिमल्स का मांस है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कौन सी योनि? जांगम योनि। ठीक है, ये जांगम योनि। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार प्रिपेयर हो जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी आपकी जांगम योनि है और कौन सी आपकी स्थावर योनियाँ हैं। तो आपको पता है ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जो जांगम योनियाँ हैं के अंदर आपको एनिमल, कोई भी एनिमल से जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है तो वो आपको जांगम योनि के अंदर ले लेना है। और जो भी जिन भी मेडिसिन का जो ओरिजन है, जिन भी द्रव्य का जो ओरिजन है वो यदि प्लांट है तो आपको उसको स्थावर योनि के अंदर कंक्लूड कर लेना है। और एग्जाम्पल से यहाँ से आपका एक एलएक्यू क्वेश्चन भी या एसएक्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो सकता है। एसएक्यू क्वेश्चन के अंदर डिफाइन द स्नेह योनियास, तो आपको स्नेह की योनिया के अंदर सबसे पहले आपको स्थावर योनि, फिर जांगम योनि, तो स्थावर योनि के बारे में लिखना है, फिर जांगम योनि के बारे में, और फिर इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझाना है। तो आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्नेह की जांगम योनिया। जांगम योनि को थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि आखिर जो जांगम योनिया है स्नेह की वो कैसी हैं। तो देखिए, जंगम योनि स्नेहस्य के अंदर जिसको आपको पता है कि इनका सोर्स ऑफ एनिमल से ओरिजिन होते हैं, इनका जो सोर्स होता है वो एनिमल होता है। ठीक है, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि दधि शीर घृत और अमिश मतलब मीट, ये इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, दधि शीर घृत और अमिश। अब देखिए इनकी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर जो जांगम योनियाँ हैं उनकी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या है सुनेगा, इसके नेक्स्ट कोटेशन के अंदर हमारे को बताया गया है तेल। देखिए तेल की डिफरेंट तेल की जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ये जो कोटेशन है आपको याद कर लेना है, इसके अंदर क्या गिवन है सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं कि सर्वेशाम तेल जतानाम तिल तेलम विशिष्यते, सभी तेलों के अंदर जो तिल का तेल है वो स्पेशल है, विशेष है। क्यों है? ब्लार्थे स्नेहने, ब्लार्थे फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड स्नेहने ऑयलेशन के अंदर इज द बेस्ट ऑयल इज तिल ऑयल। नेक्स्ट चे अग्रम अरंडम तुक्रीचते, पुर्गेशन विरेचन के लिए जो बताया गया है वो अरंड का तेल सबसे उत्तम बेस्ट बताया गया है। अब देखिए क्या प्रॉपर्टी है इस जो तेल है, उस तेल की क्या प्रॉपर्टी है। देखिए इसके अंदर गिवन है कि कटु उष्ण तेलम अरंडम, अरंड का तेल कटु उष्ण मतलब गर्म नेचर का होता है। वात श्लेष्म हर, वात और श्लेष्म मतलब कफ को कम करने वाला होता है, गुरु हैवी होता है। यदि इस अरंड के तेल को किसके साथ कषाय रस स्वादु स्वीट मधुर और इसके साथ साथ तिक्त रस के साथ इसमें यूज लिया जाए तो पित्तहंती पित्त को कम करने के लिए भी योग्य है। कहने का मतलब ये जब दूसरे रसों के साथ मिलता है तो इसका जो नेचर है, नॉर्मली तो ये वात और श्लेष्म हर होता है लेकिन ये अलग जो टेस्ट है रस के साथ मिल जाता है तो ये पित्त को कम करने के लिए भी योग्य माना जाता है। तो ये कोटेशन आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए इसको कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्नेह द्रव्य। तो स्नेह द्रव्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आता है कि स्नेह टाइप्स ऑफ स्नेह द्रव्य, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ स्नेह द्रव्य। तो इसके अंदर आपको लिखना है कि सर्पिः तेलम वशा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मतः एषु च इव उत्तमम सर्पी संस्कारस्य अनुवर्तनात्। देखिए कि सर्पी का मतलब होता है घृत, जिसको आप घी बोल सकते हो, सर्पी का मतलब घृत मतलब घी बोल सकते हो। वशा फेट मज्जा बोन मेरो सर्व स्नेह उत्तमा मता, कि जो चार प्रकार के स्नेह बताए गए हैं घृत तेल वशा मज्जा, या फिर आप घृत को बोल सकते हो सर्पी तेल वशा मज्जा, उसके अंदर सबसे उत्तम स्नेह जो है वो आपका माना जाता है घृत सर्पी। आपको याद रहे सर क्यों माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर संस्कार अनुवर्तन का गुण पाया जाता है। आगे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। अब हम एक एक जो द्रव्य हैं, हमने स्नेह द्रव्य के बारे में के अंदर पढ़ा, तो उनकी क्वालिटीज़ को हम और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इनकी क्वालिटीज़ क्या है, जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं घृत गुण, क्वालिटीज़ ऑफ घृत सर्पी की, या फिर घृत की जो क्वालिटीज़ क्या हैं। तो देखिए, घृतम पीता पीत अनिल हरम रस शुक्र ओजसाम ओजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपको लर्न करना है। घृत पीत अनिल हरम, पित्त और वायु को कम करने वाला, नाश करने वाला होता है। रस शुक्र ओजसाम, रस धातु शुक्र और इसके साथ साथ ओज जो शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है उसके लिए बहुत ही हितकर है। कहने का मतलब जिस पर्सन के अंदर रस धातु से संबंधित कोई समस्या चल रही है, जैसे रस धातु का मैंने आपको बताया था, रस धातु का संबंध जो होता है हार्ट, हार्ट की बीट, हार्ट से रिलेटेड जो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनमें उनसे रिलेटेड रस धातु होती है, तो उसके अंदर एक घृत का यूज किया जा सकता है। शुक्र धातु को बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है। निर्वापणम, निर्वाकरण का मीन्स बॉडी के अंदर बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। मृदुकर, सॉफ्टनेस लाता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, इसके साथ साथ वॉइस को भी गुड करता है, गुड एंड क्लियर। स्किन कॉम्प्लिकेशंस को गुड करने का काम करता है। कहने का मतलब आपकी स्किन जो है वो एकदम फ्रेश और क्लीन रहती है, किसके यूज से, घृत के इंटेक करने से। ऐसे ही आगे गिवन है क्वालिटीज ऑफ तेल। अब देखिए, तेल का ऐसा माना जाता है कि यदि आपको इसके अंदर नॉलेज नहीं रहती है, तो जैसे कि तेल वात को कम करता है, इसका मतलब ये कफ को बढ़ाने वाला हो गया, क्योंकि वात और कफ एक दूसरे की अपोजिट क्वालिटी होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सर क्यों नहीं होता है ऐसा बिल्कुल भी? देखिए, हमारे आचार्यों ने इसके अंदर बताया गया है कि मारुत घनम नैच श्लेष्म वर्धनम बल वर्धनम तवच्य, क्या तवच्य 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 उष्णम स्थिर करम तेलम योनि विशोधनम। बहुत ही प्यारा कोटेशन है कि मारुत घनम वायु को कम करने वाला होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही नैच श्लेष्मा को नहीं बढ़ाता, और बल मेनली प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना ऑफ बॉडी। तवच्य उष्णम, ये स्किन को बहुत ही गुड करने का काम करता है, गुड फॉर स्किन, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है तेल। तभी तो बोलते हैं कि ऑयल की तेल की मसाज किया करो, क्योंकि उससे स्किन की जो लेयर्स हैं, मॉडर्न का ऐसा मानना है कि स्किन के अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे कि सुपरफिशियल लेयर जो है वो एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर डर्मिस आती है, एपिडर्मिस जो है उसके भी 5 लेयर होती हैं, ठीक है। तो उन 5 जो लेयर हैं एक दूसरे से डिवाइड करती रहती हैं, और फिर स्किन का रीजनरेशन होता रहता है, तो इसकी न्यू लेयर बनती रहती हैं। यदि तेल का यूज करते हैं, जो नई लेयर हैं उनके अंदर डिवीजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए तेल को ऑयलेशन के लिए यूज करना बहुत ही अच्छा होता है। तो स्किन, गुड फॉर स्किन। तवच्य उष्णम, ठीक है, हॉट नेचर का होता है। स्थिर क्रम, जो बॉडी के मांस हैं मसल्स हैं उनको स्टेबिलिटी करने का काम करता है। योनि विशोधनम, योनि विशोधनम क्लीननेस द फीमेल जेनाइटल पार्ट्स, फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स हैं पार्ट्स हैं उनको क्लीन करने का काम भी तेल करता है। तो आपको कोटेशन लर्न करना है कि मारुत घनम नेचर श्लेष वर्धनम बलवर्धनम तवच्य उष्णम स्थिर क्रम तेलम योनि विशोधनम। देखिए आगे, इसके अंदर क्वालिटीज ऑफ वशा, वशा की क्या क्वालिटी है, फेट की क्या क्वालिटी है। देखिए सुनेगा, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उनको नोट डाउन कर लेना है कहीं पर भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन, कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको हर एक जो कमेंट है उनका आंसर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मेडिकल नॉलेज पॉइंट, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा तो वहाँ पर वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप उसको लर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनकी PDF नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए आगे, देखिए कि क्वालिटीज ऑफ वसा, वसा की क्या क्वालिटी है। विद, जैसे कि कोई एक पर्सन है उसके अंदर वुड घाव हो गया, तो वहाँ पर फेट का यूज अच्छा माना जाता है। भग्न, भग्न मीन्स फ्रैक्चर्स, जैसे कि कोई बोन के अंदर फ्रैक्चर हो गया, किसी भी टाइप्स का फ्रैक्चर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओब्लिक, तो जो फ्रैक्चर के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो उसकी रीजनरेशन कर सकता है वो माना जाता है वशा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जैसे
फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसके अंदर एक जैसे भेड़िया का दूध उसके अंदर वसा की क्वालिटी अच्छी होती है तो वो दिया जाता है, क्योंकि वसा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो वो जल्दी से ही उस फ्रैक्चर को रीजनरेट करने के अंदर योगदान करता है। आगे देखिए भ्रष्ट योनि सॉरी आहत मतलब ट्रोमा का मतलब कोई आप मान सकते हो इंजरी टाइप के अंदर ट्रोमा, ठीक है। भ्रष्ट योनि कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्ट योनि यूटेराइन प्रोलैप्स, देखिए भ्रष्ट योनि का मीन्स यहाँ पर यूटेराइन प्रोलैप्स। अब आपको समझना है कि यूटेराइन प्रोलैप्स क्या होता है। यूटेराइन प्रोलैप्स की जो यूट्रस है वो आपकी वेजाइना के थ्रू उसका कुछ पार्ट या उसकी तरफ आने लगता है या उससे कई बार बाहर भी आने लगता है, तो उसके अंदर वसा को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ कर्ण शिरोरुज है, ईयर एंड हेडक के अंदर कोई पेन हो रहा हो उसके लिए पुरुषीय उपचय, पुरुषार्थ के लिए व्यायाम से इच्छते वसा। जो पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा का यूज़ बहुत ही उत्तम माना गया। तो आपको याद कर लेना है, क्या याद कर लेना है कोटेशन के अंदर कि विद भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुचि पुरुषीय उपचय स्नेह व्यायामे च इष्यति वसा, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ मज्जा। देखिए मज्जा क्या होती है ये मैंने आपको बताया। मॉडर्न के अकॉर्डिंग ऐसा मानना होता है कि मज्जा, जैसे मान लीजिए कि बोन है तो बोन के अंदर बहुत सारी ऐसी केविटीज होती हैं, ठीक है, और उन केविटीज के अंदर एक लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हमारे मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बोन मेरो, जिसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। ये बोन मेरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और द फिलिंग ऑफ बोन अस्थियों के भरने के अंदर एंड स्टेप प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ बोन, क्योंकि ये जितना अच्छे प्रकार से होगा अपने लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है उतना ही बोन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि मज्जा धातु से ही शुक्र और फिर ओज बनता है, तो इसलिए इसमें गिवन है कि बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदो मज्जा विवर्धन है, मज्जा विशेष तो अस्थानाम च बलकृत स्नेहने हितम, कि जो मज्जा धातु है वो बल देने का काम करती है, स्ट्रेंथ देने का काम करेगी, ठीक है सर। क्यों करेगी? क्योंकि मज्जा धातु से शुक्र फिर ओज बनता है, शुक्र भी अच्छा होगा यदि मज्जा धातु अच्छे से फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा है क्रिया शरीर के अंदर कि जो धातुएं हैं सीक्वेंस तरीके से में ही बनती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, आहार से रस से रक्त, रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा, और लास्ट के अंदर जो बनता है सभी धातुओं का एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं ओज, ठीक है। रस शुक्र तो बल शुक्र रस श्लेष्म वो भी अच्छा बनता है, मेद धातु मज्जा विवर्धन है, मज्जा के बढ़ने से इन चीज़ों के अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मज्जा विशेष तो अस्थानाम बलकृत, देखिए मज्जा धातु है विशेष रूप से अस्थियों को बल देने का काम करती है। अस्थियों को बल देने का काम क्यों करती है? क्योंकि जो मज्जा धातु है वो मैंने अभी आपको बताया कि मज्जा धातु है वो आपकी बोन के अंदर ही पाई जाती है, तो यदि बोन के अंदर ही पाई जाती है तो बोन को तो स्टेबिलिटी देगी ही देगी, इसलिए बताया गया है कि मज्जा विशेष तो अस्थानाम च बलकृत स्नेहने हितम। और इसको ओवुलेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, क्यों अच्छा माना जाता है ओवुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताए कि जो भगवान पुनर्वसु आत्रेय हैं उन्होंने कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे, 25 प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। उनमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, स्नेह की योनियाँ बताई, इसके बाद के अंदर स्नेह की योनियों के अंदर मैंने इसके एग्जांपल्स बताए, ठीक है। फिर जो जांगम योनि है, तेल के अंदर हमने बात की, अरंड का तेल की बात की, तिल के तेल की बात की, फिर टाइप्स ऑफ स्नेह के अंदर सर्पी तेल वसा मज्जा, इनकी क्वालिटीज़ एक एक करके मैंने आपको डिफाइन की है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट स्नेह, डिफरेंट जो स्नेह हैं उनकी क्वालिटीज आपको लिखनी है, तो ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको पॉइंट है को लर्न कर लेना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन के प्रेस करने से जो मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती, उसकी रीच आप तक पहुँचती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।